पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर बल लेने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के सीमांचल पहुंचकर नीतीश कुमार पर खूब बरसे हैं। सीमांचल की हालत के लिए नीतीश कुमार को खूब कोसा है ओवैसी ने और ऐलान कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए पहले से ही कम से कम 5 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारेंगे। और अब जब से ओवैसी ने घोषणा की है उसके बाद से तो 2025 में बीजेपी के ही जीतने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि भले ही ओवैसी बीजेपी की बी टीम ना हो लेकिन न मानते हुए भी ओवैसी की किसी भी प्रदेश में छोटी से छोटी जीत भी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, और फायदा अगर बीजेपी को होगा तो अपने आप ही नुकसान महागठबंधन को होगा। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, वहीं बिहार में RJD को मुस्लिम हितैषी माना जाता है। यादव और मुस्लिम RJD का वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में तय हो गया कि अगर 50 कैंडिडेट ओवैसी उतारेंगे तो RJD का ग्राफ गिरने वाला है और इससे बीजेपी का ग्राफ बढ़ने वाला है। ओवैसी के प्लान 50 से बीजेपी गदगद। इधर ओवैसी ने 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान क्या किया, उधर तो बीजेपी की बाछें ही खिल गईं, क्योंकि एक तो बीजेपी पहले से ही बिहार में गठबंधन को मजबूत करने में लगी हुई है और फिर पिछले 2 दिन में बिहार के सीमांचल में यात्रा के दौरान ओवैसी ने जो हाल वहां का देखा है उसके बाद अपने 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी को और ज्यादा बल मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़कर गलती की। इस बार लोकसभा चुनाव में AIMIM किशनगंज नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने जब ये ऐलान किया है तब से नीतीश और तेजस्वी के माथे पर जहां बल दिखाई दे रहा है तो वहीं बीजेपी और ज्यादा जोर शोर से और ज्यादा अच्छे मन से तैयारियों में जुट गई है। सुनने में आ रहा है कि ये जो फैसला असदुद्दीन ओवैसी ने लिया है वो ये देखकर तो लिया ही है कि बिहार में सीमांचल क्षेत्र की क्या हालत है, उनके कौम के लोग कैसी स्थिति में रहने को मजबूर है, और साथ ही ओवैसी 5 सीटें जीतकर बिहार में खुद के पैर जमे हुए मान रहे हैं। उम्मीद लगा रहे हैं कि जब पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने में सफल हो गए थे तो इस बार तो 50 सीटों पर लड़कर ज्यादा सीटें निकालने में सफल हो सकते हैं। हालांकि अलग बात है कि ओवैसी के 4 विधायक AIMIM का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ चले गए थे। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 विधायक ओवैसी का साथ छोड़ चुके हैं। लग रहा है जैसे AIMIM छोड़ने वाले विधायकों से भी ओवैसी नाराज हैं और उन्हें भी सबक सिखाने के लिए सब कर रहे हैं। अब ओवैसी करें चाहे कुछ भी, उनको ये समझ लेना चाहिए उनकी जितनी बड़ी जीत होगी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी जीत बीजेपी की होगी। ऐसे में बिहार की राजनीति ने ओवैसी की एंट्री करते ही काफी दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बिहार की राजनीति वैसे तो हमेशा से ही दिलचस्प रही है, यूपी की तरह यहां की राजनीति में भी हमेशा गहमा गहमी बनी ही रहती है और अब ओवैसी ने आकर इस गहमा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वैसे आप ओवैसी के इस ऐलान से क्या समझते हैं? आप ओवैसी के इस ऐलान से बीजेपी के लिए बिहार में जीतने की कितनी उम्मीद रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।